है यहाँ सिपाही में मौजूद हूँ, यहाँ पे हेलीक्राफ्ट पहुँचे जाता है, असल रास्ते काम हो रहा है जो कि जल्दी मिट्टी के साथ शुरू किया जाता है और यहाँ के फनकारों का जवाब नहीं है। तो यहाँ पे फनकारों का काम जहाँ तक है कि पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर काफी मुल्कों में जाता है, तो इस लिहाज से हम एक मशहूर और मारूफ कारीगर हैं और बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी हैं। तो ये शेख काशिफ साहब है, तो मैं इससे कुछ बात करना चाहूंगा, ये अपने बारे और काम के बारे में हमें कुछ आगा जी काशिफ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप कब से ये काम स्टार्ट करते हैं? मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मैं 5 साल से मैं काम में लगा था, काम सिखलाई है जी। साहब कौन जी? ये मेरे दादा उस्ताद हैं रुस्तम साहब, बहुत हो चुके हैं। ये हाथ से कलम से बादशाह की फोटो बनाई है, दुबई का जो बादशाह जो प्लेट थी मैंने शेखनाथ को दी है, ये मेरे उस्ताद के हाथ के मुगल रियाज साहब, ये मुसवरी भी करते, मुसवरी भी करते नहीं मेरे उस्ताद ने बाहर के मोहम्मद याकूब अंसारी साहब, उसके बाद मुगल रियाज साहब। ये सिला वाली में कितने परसेंट काम ये होता है? 100% अगर आप फोटो गलत 100% और पूरे पाकिस्तान में सिला वाली है जो ये कमाई करता है जी का इस काम का, और किसी के अंदर मतलब कोई काम नहीं। हैंडीक्राफ्ट का जो लास्ट काम है काम में हमारे तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट में ऐसी मेन चीजें हैं जो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो सप्लाई की जा रही है? जैसे कि मैं अब चार पाई में काम कर, प्योर टाली लाल लकड़ी, इसको इसकी सारी उम्र की गारंटी है, लाल लकड़ी है। आप पंख वाला काम बोलते हैं इसको, चार पाई के जो हो रहा है इस काम को पंख वाला बोलते हैं। चार पाई है, दीप हो गया, ये भी सराई वाली चार पाई। यहाँ पे ना शायद भाई हर बंदा अपना रिजाइन करा दिया। पूछना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आपने कहाँ कहाँ पे किया और आपको इसके बदले में कोई पजीराई मिली, तो वो कई आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको इसके बदले में क्या? 2001 में जनाब वजीर आला पंजाब की तरफ से हमें संजय मिली थी जो लकड़ आर्ट पे काम करते हैं। तो सिला वाली एसी जनाब सुफियान सिकंदर इलावा के थ्रू हमें मिली थी संजय, जो फन का काम हमने किया है लकड़ आर्ट में उस बिना भी मिली संजय जनाब। अच्छा, ये आपके स्पीच का मौजूद का सबूत है कि ये सिला वाली की काशी निकाली है, अच्छा निकाली है, क्योंकि हैंडी क्राफ्ट में तो एक मेहनत तलब काम है फसल पर, और ये यकीन एक अजीब सरकारी काम कर सकता है, तो काफी कुछ है इसमें मेहनत का सकता है। तो इतना कुछ सिला वाली को क्या यहाँ पे कोई ऐसा नारा है जहाँ पे ये काम सिखाया जाता है? जी यहाँ पे नगर वाले ऐसे काम कर रहे हैं, मीडिया से रास्ते है, वो कुछ दिन उन्होंने काम किया था, वो प्रोजेक्ट काम याद नहीं हुआ, इस लिहाज से हम ये अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। नहीं यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ मतलब ये काम जी नहीं, बेहतर ये की यहाँ पे सिला वाले कोई इदारा हो, इदारा हो, कोई अध्यक्ष भी लगे यहाँ पे कोई बड़ी, जिससे गरीब आवाम को फैल। Cause I don't have the will and means to is this I have on that jab Pakistan 1947 ke baad bana hai to jale 48 mein hum log rahe the hamare ko hum तो उसके बाद जो हमारे उस्तादा कराम वो वहीं से काम सीखे हुए थे, वहाँ पहले काम यही करते थे हिंदुस्तानी।
फर्नीचर में यहाँ पे काम नहीं, फर्नीचर तो जैसे रूटीन में हर जगह बनता है वैसे ही बनता है, यहाँ के सिर्फ हैंडीक्राफ्ट जैसे मैंने देखा क्लॉक बनते हैं, ये तमाम क्लॉक जितने भी हैं ये तमाम हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी हुई चीज, मशीन का भी अमल दखल होता है लेकिन ज्यादा काम हैंड वर्क ही है। हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां से बनती है आप बताएं? मेरे कारखाना तो आजकल हमने ये कोरोना के बाद बंद कर दिया था, तो क्योंकि मेरा काम था मलेशिया और डेनमार्क और बाहर मुल्क भी यहाँ से जाते हैं। हाँ कंटेनर जाते हैं, कौन कौन से मुल्कों में जाते हैं? ये माशाल्लाह काफी मुल्कों में जाता है, ये मलेशिया भी जाता है हमारे पास है। कैसे काम पाए बहुत ज्यादा बताते हैं इसलिए पहचान जब हमारे पाकिस्तान का अगर ये कहें कि ये हैंडीक्राफ्ट ही हुआ है, ये घरेलू इंडस्ट्री में ही आता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ कारीगर ऐसे हैं जो घरेलू सनत के तौर पर ये काम करते हैं, तो क्या उनका मतलब है ये उनकी पहचान है पूरे दुनिया में पूरी पाकिस्तान में करवाई जाती है या उनका काम छुपा हुआ है या सामने? नहीं जी माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना गुर्बत की वजह से लोग काफी ऊपर नहीं आते, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, कुछ सीनियर लोग हैं जिनकी चरम जुमरे चाहिए ठीक हो गया, उन्होंने अपनी बच्चियों को भी काम सिखाया, यहाँ पे मोहम्मद अली कोई साहब है उनके माशाल्लाह 7 साल की उनके घरों के उनके पास 7 से 8 बच्चे तो बेटा नहीं है लेकिन वो चल यही काम कर। अच्छा खवातीन भी घरेलू अगर कहा जाए तो ये मतलब ये गलत नहीं होगा कि खवातीन भी शाना बिछाना ये मर्दों का हाथ पड़ा जी ऐसे ही ये बहुत कुछ शाइन बात है, बल्कि ये हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि खवातीन खसूसी तौर पर जिनको ये मतलब हाइड किया जाता है उनको भी कम अज कम खामे लाए जाए और घरेलू सनत के तौर पे एक बहुत बेहतरीन काम है। हमारी खसूसी तौर पे इस बात पे भी रिक्वेस्ट है कि इस काम को मंजर आम पे लाने के लिए कुछ काम की जरूरत होती है पब्लिक के काम के लिए। जीरो पासवर्ड में फोर पार्टीशन ये उससे पहले का काम है या पार्टीशन के बाद का काम है? उससे पहले का काम है तो मतलब कि हमारे पाकिस्तान को एक खसूसी एक हुनर से नवाजा गया शहर को, तो आई होप के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हमें भी चाहिए इस काम की रिस्पेक्ट करें। बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिनके हाथ में हुनर रहता है और दिलचस्पी से मेरा खूबसूरत पाकिस्तान मेरा प्यारा पाकिस्तान श्रीनगर के शहर में खूबसूरत लोग खूबसूरत पाकिस्तान। एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे जो है ना हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सरपरस्ती करे, वज़ीर आज़म आकर देखेंगे यहाँ पे कितनी उम्र गुजर गई है लोगों में काम